हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्वेश्चंस रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के ऊपर हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनडीए के लिए। वी हैव सीन कि इस चैप्टर से हमारे 5, 6, इवन 7 क्वेश्चंस एक साल में एक पेपर में आए हैं। तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस करना बहुत इजी भी है, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। जो रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है, उसका जो इंडेक्स लेक्चर है जिसमें सारे लेक्चर्स के डिटेल दिए हुए हैं, वो हमारा है 12482, विच यू कैन सी एट exam.com/12482। और ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है इंडेक्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन का, उसके नोट्स आपको 12567 लेक्चर पर मिल जाएंगे। नो, ये जो हम की कॉन्सेप्ट्स मेंशन कर रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स की रिव्यू समरी नहीं है। ये केवल वो कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर हमने देखा है एनडीए में रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ, अब फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट है 1-1-on-2 का। तो इस पे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस आए हैं। पूछा गया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया fx इज सो एंड सो, एंड पूछा गया कि भाई ये पहले पूछा गया कि क्या ये 1-1-on-2 है, और अगर 1-1-on-2 है, दैट इज बाइजेक्टिव है, तो इसका इनवर्स फाइंड करिए। तो ये क्वेश्चन बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंसी से एनडीए के एग्जाम में आए हैं। 1-1 प्रूव करने का हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है, जो एनडीए के क्वेश्चंस में एटलीस्ट इस मेथड के बाहर के क्वेश्चन हमने नहीं देखे हैं, कि आप fx1 इज इक्वल टू fx2 मान के चलिए, और fx1 और इज इक्वल टू fx2 मान के चलिए, और उसको सॉल्व करिए और चेक करिए कि x1 हमारा x2 के इक्वल आता है। अगर आ जाता है तो ये 1-1 है, नहीं है तो नहीं है। तो अगर फंक्शन दिया हुआ है एक्स का कोई से x2+1/x+5, तो उस केस में तो आप इसको सीधा लगा दीजिएगा विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एंड यू विल गेट द रिजल्ट वेदर द फंक्शन इज 1-1 इन लेस देन 15 सेकेंड्स। नाउ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई ऑन टू को कैसे फाइंड किया जाए। तो हमारा fx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, से x2+5/x+5, और हम इसको fx की जगह हम इसको y लिख लें, और सॉल्व करके x की वैल्यू हम y के टर्म्स में निकाल लें। हमारे को y की वैल्यू x के टर्म्स में लिखी दी हुई है, और हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को y के टर्म में निकाल लें। उसके बाद हमें चेक करना होता है क्या कोई वाई की वैल्यू ऐसी है जिसके लिए एक्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ऐसा है तो इसका मतलब देर इज सम वाई विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एक्स, तो हमारा फंक्शन इनटू हो जाएगा। अगर ऐसा कोई वाई हमें नहीं मिलता है, तो वो हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, दैट इज सर्जेक्टिव। अगर हमारा फंक्शन 1-1-on-2 प्रूव हो गया, तो हमारा जो क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो हमारा बाइजेक्टिव हो गया, दैट इज 1-1-on-2। नाउ, ये हमने कर लिया कि भाई 1-1-on-2 है, ये प्रूफ हो गया, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो इनवर्स क्या है? नाउ, हमने लास्ट स्टेप में जब हम सॉल्व कर रहे थे 1-on-2 और इनटू के लिए, तो हमने एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकाल ली थी। अब अगर हमें इनवर्स निकालना है, तो बिल्कुल यहीं से निकल आएगा एक स्टेप में, कि हम एक्स को रिप्लेस कर दें एफ इनवर्स एक्स से, जो कि हमें निकालना है, और वाई को रिप्लेस कर दें एक्स से, तो एफ इनवर्स एक्स एज ए फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। एक हमारा एक ही स्टेप का काम है, बस जिस मेथड से हमने ऑन टू और इनटू वाली चेक किया था, उसी में हम y की जगह f इनवर्स x, x की जगह f इनवर्स x रख रहे हैं, और y की जगह x रख रहे हैं। ये करके ही हमारा इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। ये सब उन केसेस के लिए मेथड है कि जब हमारा fx इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ x, और हम उसको
सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को हम वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये और जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं एनडीए में, 90% क्वेश्चन इसी तरह के मेथड को यूज करके किए जा सकते हैं। नाउ एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट वो है कि जिसके ऊपर हमारे कई क्वेश्चंस आए हैं कि अगर ए में 4 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू बी कितनी होगी। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू बी होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इन ए इंटू बी वुड बी 4 इंटू 3, दैट इज 12। अगर उसमें ये पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि कई बार कि अगर 2 एलिमेंट कॉमन है ए और बी में तो कितनी कार्डिनलिटी होगी तो ए इंटू बी की, तो भी हमारी कार्डिनलिटी जो है वो 12 ही होगी। रीजन क्या है कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए इंटू बी में जो आते हैं, तो अगर एलिमेंट सेम भी हैं तो भी उससे हमारी कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ए के सबसेट्स कितने हैं। अगर कोई ए सेट्स है तो उसके सबसेट कितने होंगे, तो ये हमारे 2 टू द पावर n होते हैं, और अगर प्रॉपर सबसेट जो है वो हमारे 2 टू द पावर n-1 है। ये थ्योरी सेट्स की है लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन कर दी कि एक अभी आगे जो हम एक चीज बताएंगे उसमें इससे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने उसको यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। अगर ए और बी फाइनाइट सेट हैविंग एन इंटू एम एलिमेंट्स एन एंड एलिमेंट्स हैविंग रिलेशन आर, देन नंबर ऑफ रिलेशंस बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे इन ए की जगह है ए टू बी करेक्ट करवा दूंगा। तो ए टू बी में कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, अगर ए में एन और बी में एम एलिमेंट हैं, तो दैट नंबर इज 2 टू द पावर n इंटू m। ये अभी हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे क्योंकि दैट वुड इन्वॉल्व नॉलेज ऑफ कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सो वो अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। अभी हम सीधा फार्मूले को याद कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आए हैं एनडीए में। ये एक क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा, इसमें ये हमने एक्सप्लेन किया है कि नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो हमारे कितने होते हैं अगर बिटवीन ए टू बी, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप एक इस पे यूज करके क्लिक करके कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक ये रिलेशन है, बाकी रिलेशंस तो हमने सारे सेट थ्योरी में कवर ही कर लिए थे लेकिन एक ये रिलेशन मुझे इसमें यूनिक मिला, इसको मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट कर लिया है कि ए इंटू बी यूनियन बी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिलेशन, और देख के ये एकदम ऑब्वियस नहीं है, तो इसको जरा दिमाग में रखिएगा एनडीए के एग्जाम से पहले, एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। अब लेट द फन बिगिन, हम क्वेश्चंस पे शुरू करते हैं। 2016 बैकवर्ड्स चलते हैं और पहले रिलेशंस के क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस के क्वेश्चन करेंगे। नाउ इस क्वेश्चन में ए इज गिवन एज 1 2 3 4, बी इज गिवन एज 1 3 5 और रिलेशन आर क्या दिया हुआ है, इट्स ऑल इज सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो हमारा जो है आर क्या हो गया, हमारे आर में क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 इज नॉट लेस देन 1 क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है तो है नहीं, तो 1 के साथ क्या होगा, 1 3 और 1 5। तो अगर हम आर को लिखें तो हमारा आर क्या आएगा, 1 3, ये देखिए 1 3 1 5, और 2 के साथ क्या आ सकता है, 2 3 2 5, 2 3 2 5, 3 5 से छोटा है और 4 भी 5 से छोटा है, तो 3 5 4 5। तो ये हमारा वो हो गया, आर की वैल्यू निकल के आ गई। अब आर इनवर्स जब ऑर्डर्ड पेयर्स दिए होते हैं तो आर इनवर्स कैसे निकालते हैं, सीधे इन दोनों को रिवर्स करते चलते हैं। तो 3 1 5 1, 3 2 5 2, 5 3 5 4,
ये हमारा आर इनवर्स आ गया। नाउ ये यहां तक तो सब लोग बहुत इजीली कर सकते हैं जिनको बेसिक्स क्लियर हैं, लेकिन यहाँ के बाद मैंने जो हम जिन लड़कों को कोच करते हैं एनडीए के लिए, वो उसमें हमने ये फाइंड आउट किया कि सब लोग जो है डेस्पाइट आवर टेलिंग टाइम एंड अगेन आर ओ आर इनवर्स निकालने के लिए पहले अगर इसको करने का तरीका बेस्ट हमारा डायग्राम से है तो पहले आर लिखेंगे फिर आर डैश लिखेंगे, आर इनवर्स लिखेंगे फिर उसको आर ओ आर इनवर्स निकालेंगे। लेकिन अगर हमें आर ओ आर इनवर्स निकालना है तो पहले हमें आर इनवर्स लिखना पड़ेगा फिर हमें आर लिखना पड़ेगा, देन ये जो रिलेशन है आर ओ आर इनवर्स होगा। मैंने थ्योरी में बताया था कि अगर ये हमारा एफ फंक्शन है ये जी फंक्शन है तो ये वाला फंक्शन जी ओ एफ होता है ना कि एफ ओ जी होता है। जब अगर हम कोई वैसे लिखते हैं ना जी ओ एफ एक्स तो उसकी वैल्यू तो सब लोग जी एफ एक्स लिखेंगे, लेकिन जब ऑर्डर्ड पेयर है और हमें वैल्यूज दी हुई है रिलेशनशिप दी हुई है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो इसको लगाने में मैंने स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंटली गलती करते हुए देखा है। आई होप कि अब आप इस चीज में गलती नहीं करेंगे। तो आर इनवर्स हमने यहाँ से लिख लिया कि भाई थ्री हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है, थ्री हमारा थ्री वन और टू पे जा रहा है और फाइव हमारा वन टू थ्री फोर पे जा रहा है, वन कहीं नहीं जा रहा है, ये हमारा रिलेशन ये आ गया। वन हमारा अब जो आर है उसमें वन हमारा थ्री और फाइव पे जा रहा है, टू हमारा फाइव पे जा रहा है, थ्री फाइव पे जा रहा है, टू थ्री और फाइव पे जा रहा है, थ्री भी हमारा फाइव पे जा रहा है, फोर भी फाइव पे जा रहा है। अब हमें आर इनवर्स ओ आर निकालना है तो आर ओ आर इनवर्स निकालना है तो हमारा क्या आया थ्री वन थ्री, तो थ्री थ्री एक इसका एलिमेंट हो गया, थ्री थ्री हमारा एक एलिमेंट हो गया। फिर थ्री टू पे जा रहा है और थ्री जा रहा है ये तो सेम हो गया, तो हमारा थ्री से जो एलिमेंट है थ्री टू हमारा आया और थ्री टू हमारा फाइव पे भी जा रहा है तो थ्री फाइव भी हो गया इसका एलिमेंट, तो थ्री थ्री और थ्री फाइव आ गए। और फाइव वन पे जा रहा है, वन थ्री पे जा रहा है और फाइव पे जा रहा है तो फाइव थ्री और फाइव फाइव हमारे दो एलिमेंट आ गए। तो ये हमारा आर ओ आर इनवर्स निकल गया। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, और इन क्वेश्चंस को करने में आपको एक मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि अगर आप को कहीं कंफ्यूज नहीं होते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनडीए पेपर वन 2016 का रिलेशंस का, ये देखिएगा कि जो हम दिखा रहे हैं कि भाई एक ईयर में 8-10 क्वेश्चन है तो वो एक ही पेपर में नहीं आए हैं, वो एनडीए का एग्जाम साल में दो बार होता है। तो वी हैव नॉट रिटन हियर अप्रैल और सितंबर एग्जाम, वी ऑल्दो वी हैव दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस बट एज वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर प्रैक्टिस। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये इतने ज्यादा क्वेश्चंस एक पेपर में नहीं आए हैं 2016 में, रिलेशन के दो या तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा सेप्टेम्बर में आ गया होगा, एक हमारा अप्रैल में आ गया होगा। नाउ एक्स एक हमारा रिलेशन दिया हुआ है एक्स स्टार वाई और इफ एंड ऑनली इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, पूछा है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांसलेटिव और सिमेट्रिक, ये बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव ट्रांसलेटिव और सिमेट्रिक के ऊपर हर बार एक या दो क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो अब पहले तो एक्स कोई अपना नंबर है और वाई स्क्वायर हमारा, और ये एक्स और वाई हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो एक्स जो है और वाई पॉजिटिव नंबर्स हैं तो लेट अस फर्स्ट चेक फॉर रिफ्लेक्शन वेदर ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो एक्स अगर रिफ्लेक्सिव है तो एक्स शुड बी लेस देन एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स विच आर पॉजिटिव नंबर्स, बट इज इट द केस अगर हम एक्स को हाफ लेते हैं तो हाफ इज लेस देन 1/4, हाफ इज ग्रेटर देन 1/4, तो ये वाला रिलेशन एक्स इज इक्वल टू हाफ के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हमें एक भी एग्जाम्पल मिल जाता है
जो कि जिसके लिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही हमारा सिमेट्री के लिए अगर हम कंसीडर करें, एक्स को हम 1 मान लें और वाई को 2 मान लें, तो 1 तो लेस देन 4 है, लेकिन क्या 2 लेस देन 1 है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और वो क्वेश्चन के ऑप्शंस को हमें को इसमें एनडीए के एग्जाम में देख लेना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। तो हमारा रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इस सिमेट्रिक ये भी गलत हो गया, इस सिमेट्रिक, तो ये वाले तीनों गलत हो गए। तो ट्रांजिटिव हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप ये देखिए कितनी फ्रीक्वेंसी से है कि एक भाई सितंबर के पेपर में आ गया और अप्रैल के पेपर में भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ये वाला क्वेश्चन है। तो एम इसमें क्या है कि लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय एन आर एम इफ एंड ऑनली इफ एन इज ए फैक्टर ऑफ एम। तो एन एम का फैक्टर है, ये ध्यान रखना है, ना कि एम एन का फैक्टर है। तो जैसे 2 इज रिलेटेड विद 4, तो 2r4 इज हमारा प्रॉपर रिलेशन है और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में है रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो 2 अपने को डिवाइड करता है तो रिफ्लेक्सिव हो गया, 2 अगर 4 को डिवाइड करता है तो 4 2 को नहीं डिवाइड करेगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। और अगर 2 4 को डिवाइड करता है और 4 8 को डिवाइड करता है तो 2 8 को डिवाइड करेगा। तो ये रिलेशन हमारा जो है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनको मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं, क्योंकि बस आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, सॉल्यूशन आपके सारे क्वेश्चंस के डिटेल में हमारे exam.com/12567 पे आपको मिल जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है कि अब ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं रिलेशंस के एक ही तरह के क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ये भी सिंपल है, उसी तरह का क्वेश्चन है। नंबर ये एक डिफरेंट क्वेश्चन आया कि ए में एक्स वाई जेड एलिमेंट है, बी में पी क्यू आर एस एलिमेंट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस फ्रॉम बी टू ए। अगर 3 है और 4 है तो हमारे रिलेशन कितने होते हैं? 2 × 3, 2 to the power 3 × 4, दैट इज 2 to the power 12, दैट इज द नंबर ऑफ रिलेशन। अब आप उसको बैठ के आराम से एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेट करिएगा। अभी मैं ही दिखाऊंगा कि यही क्वेश्चन इसी तरह के उस पे पैटर्न पे जिसमें ए और बी में एलिमेंट दिए हुए हैं और डिस्टिंक्ट रिलेशंस पूछे हैं, ये पहले भी आया हुआ है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर आपने हमारे नोट्स कर रखे हैं तो फ्यूचर में अगर कभी आएगा तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये फिर वही है कि भाई 2 पर्सन रिलेटेड हैं, उनकी एज का डिफरेंस 5 ईयर्स है, तो वो क्या रिलेशनशिप है? इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे आपको दे रखा है, आप देख लीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है हमारा, और अगर आपने हमारी थ्योरी को ध्यान से पढ़ा है तो हमने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई रिलेशन है बिटवीन ए टू बी तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए, एक तो रिलेशन में भी ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए जो है उसका सारे एलिमेंट बी पे मैप होने चाहिए, और फंक्शन होने के लिए एडिशनल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक एलिमेंट 2 आउटपुट नहीं देना चाहिए, एक एलिमेंट 2 पे मैप नहीं होना चाहिए। 2 एलिमेंट्स 1 पे मैप हो सकते हैं, मैनी वन रिलेशन, मैनी वन अगर हमारा फंक्शन है तो, लेकिन एक एलिमेंट 2 पर मैप हो रहा है तो वो हमारा फंक्शन नहीं है। तो ऐसे ही देख लेते हैं कि हमारे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हमारे ये सारे हैं और ये मैप हो रहे हैं पी क्यू आर पर, तो पी और क्यू पे, तो क्या हमारा कोई एलिमेंट 2 पे मैप हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये वाला फंक्शन हमारा ठीक है। नाउ इसमें क्या है कि यू वी डब्ल्यू जेड हमारे पास तो 6 एलिमेंट है ना, तो
तो हमारे दो एलिमेंट्स तो W और क्या कहते हैं, हमारे दो एलिमेंट कौन कौन से, UV W Z, तो X और Y किसी पे मैप ही नहीं हो रहे, तो फंक्शन तो बहुत दूर की बात है, ये रिलेशन भी नहीं है। नाउ इस केस में UV W और UV Z, फिर से वही प्रॉब्लम है हमारी इसमें, तो दोनों प्रॉब्लम है कि U हमारा P पे भी मैप हो रहा है और S पे भी मैप हो रहा है, तो वैसे भी फंक्शन नहीं है, और हमारा जो सारे एलिमेंट्स हैं हमारा एक्स वाई किसी पे नहीं मैप हो रहे हैं, तो ये रिलेशन भी नहीं है और फंक्शन भी नहीं है। और इस वाले को देखें तो हमारा UQ VP UV W X Y Z, तो सारे एलिमेंट मैप हो रहे हैं, और क्या कोई एलिमेंट दो इमेजेस हैं, वो नहीं है। ये फंक्शंस क्यों नहीं होता है कि अगर हम अगर एक इनपुट डालने से दो आउटपुट निकल रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं है। दो इनपुट्स का एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकते। अब ये फिर से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पे आ गया, ये मैं नहीं करूंगा, ये इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे आपको दे रखा है, ये आप कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दे रखा है। चलिए, ये क्या है कि ये फिर से कि एक्स डिवाइड्स इंटीजर वाई, ये पहले भी ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आ गया है कि एम डिवाइड्स एन, तो वो वाला इसको एक्स डिवाइड्स इंटीजर वाई, एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसी में से एनडीए के सिमिलर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है हमने वैसे, तो ये देख लीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हमारा क्या हो गया, 2 3 4, अगर जो कॉमन एलिमेंट है उसको तो दो बार हम लिखते नहीं है, तो 2 3 4 हमारा बी इंटू सी हो गया, बी यूनियन सी हो गया, तो इसमें 3 एलिमेंट हो गए, इसमें 2 हो गए, तो हमारा 6 एलिमेंट्स निकल के आ गए, बी यूनियन सी 2 3 4, तो हमारे एलिमेंट वो 6 हो गए। वैसे भी हमें फार्मूला पता है कि अगर ए इंटू बी में एम इंटू एन एलिमेंट होते हैं, ये देखिए कितनी बार इस फार्मूले का यूज हुआ है कि ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं। इफ ए इज रिलेशन ऑन ए सेट आर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर ए रिलेशन है, ए इज ए रिलेशन ऑन सेट आर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करिए। नॉर्मली हम आर रिलेशन बोलते हैं और ए को सेट बोलते हैं, अगर आपने बहुत तेजी से पढ़ लिया तो आप खटाक से लिख देंगे कि भाई आर हमारा जो है रिलेशन वो ए का सबसेट है, लेकिन ए का नहीं है वो भी, आर अगर आप गलती करते तो आर सबसेट ए इंटू ए का है, क्योंकि ये आर जो है ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन में जो नॉर्मली नोटेशंस यूज होते हैं ए फॉर ए सेट और आर फॉर ए रिलेशन, वो इसमें उल्टा कर रखा है, तो हमारा इस केस में ए इज ए सबसेट ऑफ आर इंटू आर, तो मतलब वहां पे दिमाग का एग्जाम में पूरा अलर्टनेस की जरूरत है, तो ए इज एलि सबसेट ऑफ आर इंटू आर। नाउ ए इज इक्वल टू 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इनटू बी, ये सिंपली क्वेश्चन है भाई, 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0, इसमें कुछ सोचने की वो ही नहीं है। अब इसमें लेकिन वो वाला ऑप्शन नहीं दे रखा हमारा, वो एक और चीज से ऑब्वियस हो गया कि भाई हमारे इसमें कितने भी एलिमेंट्स कॉमन हो, जैसे इसमें दोनों एलिमेंट्स कॉमन है तो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू बी में तो हमारे 4 ही होंगे, और 4 वाला कोई ऑप्शन यहाँ दे नहीं रखा है, तो ए इंटू ए ही हमारा आएगा। वैसे भी आप देख लीजिए कि ए इंटू ए को निकाल लीजिए, ए इंटू बी को निकाल लीजिए, दोनों आपके सेम आएंगे। अब ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 2 3, सी इज इक्वल टू 3 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, तो इसमें सीधा सीधा ए इंटू बी हमने निकाल लिया, ए इंटू सी निकाल लिया हमने, और फिर उसका इंटरसेक्शन करके हमने बता दिया कि उसमें हमारा वैल्यू ये आ गई, तो हमारे कार्डिनलिटी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गया।
आप देखिए, दो पहले भी ये कार्डिनलिटी वर्ड एनडीए में यूज हुआ है, अब फिर से एनडीए में यूज हुआ है। पहले कार्डिनलिटी जो सेट वाला जो 2016 का क्वेश्चन था उसमें यूज हुआ था, 2030 में ये वर्ड जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस में यूज हुआ है। ए इज फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस व्हिच कैन बी डिफाइंड इन ए इज, हमने बताया कि अगर ए टू बी के बीच में रिलेशन है तो हमारे वो जो है नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, 2 to the power m into n। तो यहाँ पे हमारे कितने होंगे, 2 to the power n²। लेकिन लेकिन अगर हमारा जैसे एनडीए का सिस्टम है, अगर हमें फार्मूला याद नहीं है तो हम हाथ की हाथ इसको निकाल सकते हैं कि हम ए को 1 2 मान लें, एलिमेंट ऑफ टू सेट्स, और उसके ए टू ए के बीच में रिलेशंस काउंट कर लें, और हमारा उसमें जो रिलेशंस निकल के आएंगे वो 2 to the power हमारा 4 निकल के आएंगे, 16 रिलेशन आपका। उस तरह से भी कर सकते हैं, ये एनडीए के एग्जाम की एक स्टैंडर्ड टेक्निक है कि सिंपल एग्जाम्पल लेके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि हमें तो बस वो ऑप्शंस चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। और दूसरा है हमारी टेक्निक कि हम ऑप्शंस को देख लें और उनको रूल आउट करते चले जाएं कि कौन सा हम अदर ऑप्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। अब ये फिर से इक्विवेलेंस रिलेशंस के तो क्वेश्चंस मैं नहीं करके दिखाऊंगा, अब आप आसानी से खुद ही कर लेते हैं। ए माइनस बी और ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ये बहुत बार आ चुका है। जो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, इसमें बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब हम ट्रांजिटिव वाला रिलेशन प्रूव कर रहे हैं तो हमारे को प्रूव करना है कि भाई ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5 एंड बी माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5, तो हमें ए माइनस सी को डिविजिबल प्रूफ करना है बाई 5। तो हम एक इसको ये ध्यान में रखिएगा कि ए माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। हमने बी जोड़ भी दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो हमारा ए माइनस सी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो ये हमारा उस क्योंकि ए माइनस बी भी 5 से डिविजिबल है और बी माइनस सी भी 5 से डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर इसका जो है, ये आगे की रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ऑब्वियसली है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। तो ये तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, फिर से अगेन वही क्वेश्चन भाई, सीधा सीधा 4 into 3 12। अब ये कंसीडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू रिलेशन आर ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एक्स इज रिलेटेड विद वाई इफ 3x + 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, पूछा है कि इज 0 रिलेटेड विद 1, तो 3 0 हो गया प्लस 4 इज 4 इज नॉट इक्वल टू 5, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। 1 इज रिलेटेड विद हाफ, 3 + 4 × 1/2 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 हो गया हमारा ये वाला। और थर्ड हमारा क्या है, 2/3, और 3/4 तो क्या हो गया, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो हमारा थर्ड भी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, सी, मतलब सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट है। लेट एम बी द सेट ऑफ मैन एंड आर, ये तो फिर वो इक्विवेलेंस वाला ही आप खुद कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। हाँ, अब ए और बी और फिर ए इंटरसेक्शन बी, एम इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए निकालना है। अब अगर हम ए इंटू बी निकालेंगे और बी इंटू ए निकालें तो वो बड़ा लंबा है, लेकिन हमने आपको शुरू में ही इसका फार्मूला बता दिया था कि ये इसकी वैल्यू क्या होती है। वो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इंटू बी और बी इंटू ए, और इसको चेक कर सकते हैं कि इनमें कौन से इंटरसेक्शन कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एनडीए में एक क्वेश्चंस के लिए आपको अराउंड 1.15 मिनट्स मिलते हैं, तो आप की
से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपकी प्रैक्टिस करने की स्पीड, लेकिन मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड अच्छी है, तो आपको उसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ ऑन इन रिलेशन आर है 1 2 3 में, तो पूछा है रिफ्लेक्सिव है, तो भाई रिफ्लेक्सिव होगा अगर 1 1 2 2 3 3 है, ये है ही हमारे। अगर क्या कहते हैं इसमें 1 2 एलिमेंट है तो 2 1 भी होना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर 1 2 और 2 3 है तो 1 3 भी इसका एलिमेंट है तो ट्रांजिटिव भी है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप मतलब देख के ही कर सकते हैं, इसमें पेन टच करने की हमारे को जरूरत ही नहीं है। ए इज इक्वल टू 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5, सी इज इक्वल टू 5 6, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखिए बी इंटरसेक्शन सी में 1 हो गया, ए में 2 है, तो 2 × 1 हमारा आंसर 2 आ गया। तो इसलिए मैं क्या हमेशा कहता हूँ कि एनडीए के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अगर इसी क्वेश्चंस को, जैसे आप हमारे में 2007-8 से हैं क्वेश्चन, अगर मैं आपके ये उल्टे रिवर्स ऑर्डर में करूं कि 2007-8 से करूं, तो 10-11 तक आते आते सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे कि फिर जो लास्ट 2 3 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। बट अगर मैं 2007-8 से शुरू करूंगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स का हमेशा कीन इंटरेस्ट रहता है कि लेटेस्ट लास्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, पहले उसको कर लेते हैं। लेकिन एनडीए के एग्जाम में कंसिस्टेंसी है, जैसे जेई का एग्जाम है, कभी सिंपल है कभी हार्ड है, कभी इंटीजर टाइप एंटर कर दिए क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस है, किसी साल आपने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन दिए किसी साल नहीं दिए, तो बहुत वेरिएशन रहता है। एनडीए का एग्जाम मतलब जितने साल के पेपर्स मैंने देखे हैं, आई डोंट रिमेम्बर कि लास्ट टाइम उन्होंने कब अपने पैटर्न में चेंज किया है। ए नंबर ऑर्डर ऑफ ए सेट ए इज 3 एंड दैट ऑफ ए सेट बी इज 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन। भाई वही हो गया हमारा 3 × 2 6, तो यहाँ पे नया टर्म यूज कर लिया ऑर्डर ऑफ ए सेट। अब उसका ऑर्डर का कुछ और मीनिंग हो नहीं सकता यहाँ पे, कि अपार्ट फ्रॉम दैट कि ऑर्डर इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट ए विच इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो हमारा वो रूल क्या होता है रिलेशन का, 2 × 2 to the power 3 × 2, दैट इज 2 to the power 6, तो वो हमारा हो गया क्वेश्चन। ये रिलेशन का है, ये आप खुद कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रॉपर सबसेट क्या होंगे। भाई सीधी सी बात है, 2 to the power 4 - 1, तो हमारा जो है इसका आंसर निकल के आ गया 2 to the power 4 - 1, तो 15 आंसर आ गया। यहाँ पे फिर से वही है कि R इंटू S दिया हुआ है, S इंटू R और S दिए हुए हैं, R इंटू S और S इंटू R हमने इसके लिख लिए 3 के मल्टीपल्स। तो इसमें भी ये हमने कई बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन कि हम इनको सीधा लिख देते हैं 3 6 9 और फिर कर लिया, और फिर R इंटू S में हमने देख लिया कि क्या क्या कॉमन निकल के आएगा और उसमें क्या हमारा क्या क्या कॉमन निकल के आएगा, और हमने फिर उसका आंसर निकाल दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ये इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह का अभी हमने क्वेश्चन किया है, वहां पे ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3 था। तो देखिए किस फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन हमारे एनडीए में रिपीट होते हैं। ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, अगर रिलेशन है कि 1 < a to b, देन हाउ मैनी एलिमेंट्स विल आर कंटेन। देख लीजिए भाई -1 है तो 0 हो सकता है, और केवल 0 हो सकता है, 2 है तो 3 हो सकता है, 5 है तो 6 हो सकता है, 8 है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने रिलेशन वाला सेट लिख लिया इस तरह से, और उसमें देख लिए कि भाई हमारे कितने एलिमेंट आए, 3 आए, हमने 3 का कर दिया। तो कुछ क्वेश्चंस तो एनडीए में बहुत ही सिंपल आते हैं, कुछ थोड़े हमारे टिपिकल भी आते हैं।
सेट ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव इन कॉमन। तो ये अगर हमारे दो इन दोनों में एन एलिमेंट्स हमारे कॉमन है तो हमारा कितने होंगे। तो इसका हमारी वही अब इसमें सोचते रहिए कि भाई अगर एन एलिमेंट है और इतने हैं तो हम इसको करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि भाई ए हमारा 1 2 3 है और बी हमारा 2 3 4 है, यार तो ये सोच के छोड़ देंगे ये तो हमें फार्मूला पता नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन हमारा क्या तरीका है कि हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें और उससे वैल्यू निकाल लें और उससे चेक कर लें कि कौन से ऑप्शन हमारा ठीक आ रहा है। हमने लिया 1 2 3 एंड 2 3 4, क्या हम ले सकते थे 1 2 और 2 3, उसमें भी एक एलिमेंट कॉमन है। लेकिन अगर उसका आंसर हमारा निकल के 1 आएगा तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो 1 1 है या n है या n स्क्वायर है। अब हमने 2 कॉमन लिया है और ये अगर हमें a इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए अगर हमें निकालें तो हमारा क्या निकल के, अगर हमारा 1 आता है तो b हो गया, 2 आता है c हो गया, तो d आता है तो हमारा 4 हो गया। तो इस वाले मेथड को यूज करने के लिए जो हमारी मेन ट्रिक है वो ये है कि हमारा सिलेक्शन ऑफ a एंड b क्या रहे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, बहुत सिंपल भी ना हो। अब 4 लेके या 2 कॉमन वाले ले तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उतने की जरूरत नहीं है, फिर आपको 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे उस क्वेश्चन को करने में। तो ये हमने करा, ए इंटू बी निकाल लिया, बी इंटू ए निकाल लिया, उसके कॉमन एलिमेंट हमारा 2 स्क्वायर आ गया, आंसर हो गया। आगे के लिए भी पता चल गया कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई एन स्क्वायर हमारे एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी इंटू इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी ये दे रखा है, इज रिलेशन फ्रॉम ए इंटू ए, ये मैं नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्स एक्स स्क्वायर ये भी वही है कि हाँ चलिए ये देख लेते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है। एक्स एलिमेंट ऑफ आर एक्स स्क्वायर लेस देन 0 इज नॉट ए सेट, हियर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। बिल्कुल ठीक बात है ये कि ये हमारा एक्स स्क्वायर लेस देन 0 में, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, इज नॉट ए सेट, ये सेट तो है बट इट इज एन एम्प्टी सेट। तो ये स्टेटमेंट हमारा ए फॉल्स है, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एक्स स्क्वायर 0 होता है, तो ये ठीक है। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये हमारा करेक्ट है। थोड़ा सा मतलब देखिए वो अलर्ट रहने की जरूरत है कि ये पूछ क्या बोल रहा है कि भाई ये इज नॉट ए सेट, एकदम झटके में कहा हाँ हाँ इसमें तो कोई नहीं निकल के आ रहा, बट इट इज एन एम्प्टी सेट। अब क्या है रिफ्लेक्सिव वाले तो मैं करा नहीं रहा हूं आपको। ए इंटू पी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू पी ए में कितने होंगे, ये 4 है हमारे, पी ए में हमारे कितने एलिमेंट होते हैं 2 टू दी पावर 4, तो वो कितने हो गए हमारे 16 हो गए। तो a इंटू पी ए में हमारे कितने हो गए 64 हो गए। देखिए ये भी असेंशियली a इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे इसके ऊपर है, ये फिर से हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये सिंपल है, आप अपने आप करेंगे, इसका सॉल्यूशन दे रखा है हमने। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्स इज रिलेटेड टू वाई इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा एक्स और वाई रिलेटेड है और ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0। तो इसमें जो हमारा ए सेट है वो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेट को हम ऑल्सो वी से इट एज सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो है वो उसमें नेचुरल नंबर के सेट में या पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में अगर हम 0 जोड़ दें तो वो होल नंबर सेट कहते हैं, और इसको सेट ऑफ नॉन इंटीजर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं।
तो अब इसकी एक्स और वाई की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें भाई ये तो √11 और 3√3 ये तो रूट वाले हो गए ना, तो ये तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि एक्स एंड वाई तो हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए। 0, 6 है तो 6, 0 भी होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6, 0, ये सी आ गया हमारा आंसर। पैरेललिज्म आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कुछ क्वेश्चन तो सिंपल दे देते हैं बिल्कुल ही एनडीए में। एक्स एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 3 होल नंबर्स, आ गया ना। देखिए कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेशन होल नंबर की क्या है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ध्यान रखिएगा। तो 0, 1, 2 हो गया हमारा, बी हमारा क्या हो गया जो कि 2 एंड 4 के बीच में है, तो ये 3 हो गया। सी हमारा 3 एंड 4 दिए हुए हैं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट अब आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 0, 1, 2, 2, 3, अच्छा ये लेस देन 2, 3 कैसे आया, हाँ 2 वो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2, 3 हो गया, ये हमारा 3, 4 हो गया। तो आप इसको निकाल के हाथ से सॉल्व कर दीजिए।